अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये बच्चों के लिए स्पेशली मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ऑरेंज कुकी की। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। उसको बनाने के लिए बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का ऑरेंज लिया है, जिसका जो छिलका है उसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो इसका जिस्ट हमें चाहिए रहता है, उसके साथ साथ हम इसका जो है जूस निकाल लेंगे। वो जूस को भी हम कुकी बनाने में यूज़ करेंगे। तो आप ऐसे ग्रेटर जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो उस पर ऐसे घिस कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है इसके छिलकों को। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले लिया है ऑरेंज जूस, जो हमने एक ऑरेंज था उसका पूरा जूस निकाल लिया है। इसके साथ जो इसके ग्रेटेड छिलके हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ऑरेंज कलर कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है एक कप मैदा और इसी के नाप से जो है मैंने लिए है शुगर हाफ कप। इसकी क्वांटिटी जो है हाफ होनी चाहिए। इसके साथ दो इलायची जो है वो मैंने पीस ली है शुगर में डालकर। इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे हम ग्राइंडर में। इसके साथ अब बटर जो है 1/4 कप लेंगे हम। तो एक कप मैदा, हाफ कप शक्कर और 1/4 कप बटर लिया है हमने। ये अनसॉल्टेड बटर है। हमने लिया है सॉल्ट 1 चुटकी और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर लेंगे हम इसमें और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बटर को जो मैंने एक बोल में निकाल लिया, हैंड विस्कर से जो हम इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जब भी आप बटर का यूज़ करें तो उसे रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करें। इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे फेंट कर। अगर ये स्टिक होने लगे तो उसे निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। जो हमने शुगर ली थी उसको मैंने इलायची के साथ अच्छा बारीक सा पाउडर बना लिया है। तो ये शुगर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने ऑरेंज की छिलका था उसे घिस के ग्राइंड करके यूज़ किया था वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम फूड कलर इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें हैंड का यूज़ करेंगे। अब जो हमारे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। हम डालेंगे इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और इसके साथ साथ जो बेकिंग पाउडर है हमारा वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जो हमारा ऑरेंज जूस है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसका डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, वरना जब हम इसका कुकीज़ बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। इसलिए ऑरेंज जूस जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मलते जाएंगे। तो जो हमने ऑरेंज जूस निकाला था वो इनफ है इस पूरे डो को बनाने के लिए। तो ये देखिए डो मिक्स हो गया है। इसको थोड़ा सा पंच करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमारा डो रेडी हो गया है। बस इसे हम 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, फिर हम कुकीज़ बनाएंगे इसकी। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब जो है मैं कुकीज़ बनाने के लिए एक जो है बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर लगा दूंगी। कुकी जो है आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ की बना सकते हैं, जैसा शेप आप चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो शेप कटर्स भी यहाँ गए, तो आप चाहें तो कटर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुकी बनाने में। लेकिन मैं जो है नाइफ से इसमें एक अच्छी सी शेप दूंगी। आपने देखा होगा जब भी मार्केट में कुकी मिलती हैं तो उनका शेप कुछ ऐसे ही होता है, हल्के हल्के उसमें ऊपर से कट्स होते हैं, तो उसका लुक बहुत अच्छा लगता है।
मैंने इसमें हल्के हल्के कट्स दे दिए हैं। इस साथ साथ जो है मैंने एक पैन गरम होने रख दिया था, इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। उस स्टैंड के ऊपर जो है हम ये अपनी बेकिंग ट्रे रखेंगे, इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे और आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे हमें सिर्फ 15 मिनट तक कुक करना है। और अगर आप माइक्रोवेव में कुक कर रहे हैं तो उसमें 180 डिग्री टेम्परेचर रखिएगा और उसमें 10 टू 15 मिनट्स तक इसे बेक करेंगे। आजकल मार्केट में काफ़ी तरह के मोल्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं कुकी को शेप देने के लिए, और चाहे कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनसे भी जो है अच्छा शेप आ जाता है कुकी में, तो आप चाहें तो इनका यूज़ करें। तो हमारी कुकी जो है उसे बेक होते 15 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बेक हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना। ये देखिए कितनी अच्छे से फूली है। तो जब भी आप इन्हें कुकीज़ को उसमें बेकिंग ट्रे में रखें तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर ही रखें, वरना वापस में चिपक जाती हैं। तो ये देखिए हमारी कुकी बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए ऊपर का सरफेस काफ़ी हार्ड हो चुका है, इसका मतलब ये कुकीज़ अच्छे से अंदर से कुक हो गई हैं। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो सारी कुकीज़ को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और उसके ऊपर से थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जैम लगा दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है ऑरेंज कुकी। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे से बेक हुई है। देखिए कितनी अच्छी बेक हुई है, पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी क्रिस्पी बनी है हमारी कुकीज़। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे से बेक हुई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली कुक है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।